हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी फेस्टिव डेकोर DIYs। जैसा कि मैंने पहले भी दो वीडियो शेयर करे हैं फेस्टिव डेकोर पर, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वेलकम बैक टू माई चैनल सेटी एसजी क्रिएटिव। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये फर्स्ट DIY। तो फर्स्ट DIY बनाने के लिए मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ करूँगी। मैंने कार्डबोर्ड को रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लिया है और इन सभी कार्डबोर्ड्स को मैंने दो पार्ट्स में लिया है, क्योंकि जो मेरा कार्डबोर्ड है वो थोड़ा सा पतला है, इसलिए मैंने सभी साइजेस में दो पार्ट्स लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग दो या तीन पार्ट्स जैसे भी ले सकते हैं कार्डबोर्ड की थिकनेस के अकॉर्डिंग। तो अब हम इन कार्डबोर्ड्स को आपस में पेस्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर छोटी छोटी सी विंडोज़ भी बनाई हैं कार्डबोर्ड पे, जो रेक्टेंगुलर शेप में कट किया है, क्योंकि हम इसको एक हट की शेप देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटी छोटी सी विंडोज़ बनाई हैं। और जब ये आपस में पेस्ट हो जाए तो उसके बाद मैंने यहाँ इस कार्डबोर्ड को थोड़ा फिंगर की हेल्प से कर्व शेप दे दिया है, क्योंकि हम ये हट बना रहे हैं। और कर्व शेप देने के बाद अब हम इन आपस में सारे पार्ट्स को जोड़ लेंगे फेविकॉल की हेल्प से। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेविकॉल लगाने के बाद मैंने यहाँ मास्किंग टेप भी अप्लाई कर दिया है ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और मैंने तीनों कोनों में मास्किंग टेप अप्लाई कर दिया है, और मैंने इसकी एजेस पर भी मास्किंग टेप अप्लाई कर दिया है उसको थोड़ा सा क्लीन लुक देने के लिए। और मास्किंग टेप अप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आप चाहें तो टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं मास्किंग टेप की जगह। अब हमारा ये एक बेस रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर वॉल पुट्टी की एक पतली सी लेयर लगाएंगे पैलेट नाइफ की हेल्प से, और उसको सूखने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर माउल्डेड क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं वॉल पुट्टी की जगह पे। तो हमें ये वॉल पुट्टी जो लगानी है, ये चारों तरफ हमें लगा लेनी है। कोई भी इसकी एजेस या कोई कहीं पर भी हमें इसको छोड़ना नहीं है, हमें इसको सारी तरफ अप्लाई करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेरे पास एम्बेलिशमेंट पड़ा था माउल्डेड क्ले से बनाया हुआ, पहले से पड़ा था, मैंने उसको यहाँ पे भी इसके ऊपर फ्रंट में लगा दिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर कुछ भी बना के लगा सकते हैं या इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब मैं इसको सूखने दूंगी। जब ये पूरा अच्छे तरीके से सूख जाए उसके बाद हम इसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे मल्टी कलर अप्लाई करा है, आप चाहें तो कोई भी सिंगल कलर भी कर सकते हैं। कलर करने के बाद हम इसके ऊपर वॉर्निश का कोट ज़रूर अप्लाई करेंगे। वॉर्निश अप्लाई करना ना भूलें। जैसा कि मैंने पहले बोला है, वॉर्निश अप्लाई करने से हमारा DIY काफ़ी अच्छा और लंबे समय तक चलता है और काफ़ी ब्राइट भी लगता है। तो अब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत शेडिंग और थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी डिटेल्स भी ऐड करी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, इसको और भी अच्छा बनाने के लिए। तो अब ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप आज का ये अगला DIY आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला DIY। और इस DIY को बनाने के लिए मैंने ये छोटे छोटे से कंटेनर यूज़ किए हैं। ये मेरे पास किसी पैकिंग में आए थे, तो मुझे ये लगा कि ये हमारा दिए का शेप ले सकते हैं, तो मैंने इन्हें रख लिया था, तो मैं इन्हीं का यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी का एक पेस्ट बना लिया है, थिक पेस्ट बना लिया है, और इन सब कंटेनर्स को ऑयल करके इनमें मैंने ये पेस्ट डाल दिया है। और मेरे पास ये पुराने कुछ टी लाइट कैंडल होल्डर्स पड़े थे, तो मैंने इनको यहाँ पे इंसर्ट करके मास्किंग टेप से चिपका दिया है, और इसको ड्राई होने के लिए अब हम रख देंगे। और मैंने इसको पूरा 2 दिन ड्राई होने के लिए रखा था। जब ये अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही हम इसको डीमोल्ड करेंगे इन कंटेनर्स में से। देखिए ये कितने अच्छे से सूख गए हैं, और अभी भी वाइट कलर में भी ये कितने अच्छे लग रहे हैं। जब ये अच्छे से सूख जाएं उसके बाद ही हम इसको डेकोरेट करेंगे, जैसे भी आप करना चाहते हैं। आप इसके ऊपर कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक कलर सिंगल कलर में भी कर सकते हैं, मिरर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं। जैसा आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं उसको उसी तरीके से डेकोरेट करके पेंट करके आप सजा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने फेवरेट कलर्स यूज़ करे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपने फेवरेट कलर्स और डिज़ाइन में इनको पेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इनको बनाना कितना ही आसान है।
तो इन्हें कोई भी अपने घर में बना सकता है, किसी भी साइज़ और किसी भी शेप में। जो भी आपके पास छोटे बड़े कंटेनर्स अवेलेबल हो, आप उसी का यूज़ करके इनको बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़े से मिरर्स ऐड कर लूँगी, और क्योंकि हम ये फेस्टिव डेकोर बना रहे हैं तो थोड़ा सा ब्राइटनेस और शाइन तो चाहिए ही है हमें फेस्टिव डेकोर में, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसमें थोड़े से मिरर्स ऐड करे हैं और थोड़ा सा गोल्ड कलर। लास्ट में हम इनके ऊपर एक कोट वार्निश का अप्लाई करेंगे और बस ये हमारे कैंडल होल्डर्स रेडी है। और इसी तरह से हमारा सेकेंड DIY कम्प्लीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट DIY। इसको बनाने के लिए मैंने इस प्लास्टिक बॉटल का यूज़ किया है। इसके ऊपर से मैंने सारे स्टिकर्स वगैरह रिमूव करके निकाल लिए हैं और इसको क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद मैंने ये फॉयल पेपर लिया है और इसको इसके ऊपर, इस बॉटल के ऊपर कुछ इस तरह से चिपका दिया है और थोड़ा सा ठोक पीट के इसको इसकी शेप दे दी है। तो इस तरह से हम इस बॉटल पे फॉयल पेपर चिपका देंगे। और उसके बाद मेरे पास ये एक छोटा सा प्लास्टिक का ढक्कन पड़ा था, तो इसके ऊपर भी मैंने कुछ फॉयल पेपर को इस तरह से मोल्ड करके और एक बॉल सी बना के इसके ऊपर भी चिपका दिया है। और इसको मैंने एक बकेट का शेप दिया है, तो इस तरह से मैंने इन दोनों को फॉयल पेपर से कवर करके रेडी कर लिया है। मैंने यहाँ पे ये वॉल पुट्टी ली है। वॉल पुट्टी का डो बनाने के लिए हम वॉल पुट्टी का पाउडर लेंगे और उसमें धीरे धीरे से पानी ऐड करेंगे और उसको मिक्स करेंगे। कभी भी हमें एकदम से पानी ऐड नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा ही पानी ऐड करके हम वॉल पुट्टी का डो बनाते हैं। अगर हम एकदम से काफ़ी सारा पानी ऐड कर देंगे तो ये हमारा जो डो है वो अच्छे से रेडी नहीं होएगा। तो इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ उसी तरीके से हम धीरे धीरे इस वॉल पुट्टी का डो बनाएंगे और इसको स्मूथ करेंगे। तो देखिए हमारा ये वॉल पुट्टी का डो रेडी हो गया है। अब इसमें से हम थोड़ी सी वॉल पुट्टी लेके उसको किसी भी रोलिंग पिन से हम रोल करके ऐसे एक चपाती का शेप दे देंगे और फिर इस बॉटल के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये DIY बहुत ही सिंपल है, इसे कोई भी बना सकता है। तो मैं अब फेविकॉल इसके ऊपर बॉटल के ऊपर लगा दूँगी और ये इसको बॉटल को इस वॉल पुट्टी पेस्ट से कवर कर दूँगी अच्छे से। तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा कि हम यहाँ पे कुछ ह्यूमन फिगर बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक घोस्ट कैंडल होल्डर बना रही हूँ और इसे हम लोग दिवाली पे भी डेकोरेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और मैं ये जो कैंडल होल्डर है ये हेलोवीन डेकोरेशन के लिए बना रही हूँ। तो इस तरह से हम कुछ इस तरह से इसको कवर कर लेंगे पूरा वॉल पुट्टी से। उसके बाद ये जो मैंने छोटी सी बकेट बनाई थी इसको भी हम वॉल पुट्टी लगा के कवर कर लेंगे और बकेट का शेप देंगे। जब ये पूरा अच्छे से कवर हो जाए तो हम इसको कम से कम एक दिन के लिए ड्राई होने के लिए रखेंगे और सूखने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के इसको स्मूथिंग करेंगे और स्मूथिंग करके हम इसको इसके ऊपर बॉटल के ऊपर रख के देख लेंगे कि अच्छे से फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ताकि ये बाद में जब सूख जाए तो ऐसा ना हो कि इस बॉटल के ऊपर इस हम जब बकेट रखें तो ये इसका शेप ना ले पाए। तो हमने इसको कम से कम एक दिन के लिए ड्राई करने के लिए रखना है अच्छे से। जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर ये बकेट और इसके हैंड्स चिपकाएंगे। तो अब ये पूरा सूख गया है अच्छे से। सूखने के बाद अब हम इन दोनों पार्ट्स को आपस में फ़िक्स करेंगे और जो बकेट है हम इसके ऊपर क्ले की हेल्प से इसको इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। अब मैं यहाँ पे इसके हाथ भी बना लूँगी। हाथ बनाने के लिए मैंने माउल्डेड क्ले का यूज़ किया है क्योंकि थोड़ा सा वॉल पुट्टी वाली जो क्ले होती है उसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माउल्डेड क्ले का यूज़ किया है। तो मैं दोनों हाथ बना लूँगी और इनको थोड़ा सा हार्ड होने दूँगी और हार्ड होने के बाद इसको उसके ऊपर चिपकाएँगे।
तो देखिए ये हमारा घोस्ट कैंडल होल्डर बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर एक कोट ब्लैक एक्रेलिक कलर का अप्लाई कर लूँगी। फिर जब हमारा बेस कोट सूख जाए तब मैं इसके ऊपर वाइट कलर अप्लाई कर लूँगी। तो वाइट कलर को अप्लाई करने के लिए मैंने डैबर का यूज़ किया है, और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे थोड़े से ये डिफरेंट डिफरेंट शेडिंग देनी थी, और शेडिंग देने के लिए मैंने सबसे पहले ब्लैक बेस कोट अप्लाई किया, फिर वाइट किया। अब मैं इसके ऊपर एक लेयर बेज कलर की भी अप्लाई कर लूँगी। तो मुझे इसको मेरे डेकोरेटिव आइटम्स के अकॉर्डिंगली बनाना था, इसीलिए मैंने इसको बेज कलर में बनाया है। आप चाहें तो इसको वाइट कलर में भी रख सकते हैं, ये वैसे भी बहुत सुंदर लगेगा। तो इसको मैंने हल्की फुल्की कहीं पर वाइट कहीं पर डार्क कहीं लाइट शेडिंग देके इसको इस तरह से पेंट कर लिया है, और पेंट के सूखने के बाद मैंने इसके ऊपर मैट वार्निश अप्लाई की है। तो अब ये बन के रेडी हो गया है और डेकोर करने के लिए तैयार है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप आज का ये तीनों DIY आपको पसंद आए होंगे। इफ़ येस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं कुछ नए DIY के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।